बिहार के चुनाव से लेकर के और फिर अपनी लोकसभा क्षेत्र के सब कुछ कार्यक्रमों में। आज गोवर्धन पूजा है मेरे भाई बहन, मेरे साथीगण, और गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। मैं मनोज तिवारी अपने फेसबुक के सदस्यों के साथ साथ पूरे देश को, पूरी दुनिया को गोवर्धन पूजा की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। अब आज दोपहर में जैसे मैंने सोचा कि गोवर्धन पूजा है तो हम कई लोग साथ में बैठे थे, तो मैंने किसी से पूछा गोवर्धन पूजा क्यों होती है, तो कई लोगों को पता ही नहीं था कि गोवर्धन पूजा की कहानी क्या है, क्यों मनाई जाती है। तो मैंने निर्णय किया कि आज हम 4-5 मिनट में गोवर्धन पूजा की कहानी आज अपने फेसबुक पे लोगों से शेयर करेंगे। क्योंकि आपको बताऊं, मैं काफी, मैंने भागवत पुराण भी हम पढ़े हैं, हम दुर्गा सप्तशती जी का भी अध्ययन करते हैं, हम रामायण रामचरितमानस भी बहुत पढ़े हैं, रामलीलाएं भी करते समय लोगों को तैयार कराना, बहुत स्टडी किया, और सभी को करना ही चाहिए समय मिले तो। ये पौराणिक कथाएं हैं, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, जो जानते होंगे तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनके लिए ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि क्या है भाई बहन, कि हम लोग बहुत सारी त्योहार आते हैं, हम शुभकामना दे देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता उसकी मूल कथा। गोवर्धन पूजा प्रकृति पूजा के लिए लोगों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। भगवान श्री कृष्ण के मन में यह था कि प्रकृति की पूजा होनी चाहिए, देवता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पूजा प्रकृति की होनी चाहिए, जल का, वृक्ष का, पहाड़ का। इस कहानी से मैंने ऐसा अर्थ निकाला है अपना, क्योंकि कृष्ण जब पैदा हुए तो बहुत समय तक थोड़ी पता था सबको कि वो भगवान है, भगवान के अवतार हैं, महामानव है। तो एक समय की बात है कि ब्रज में, वृंदावन ग्राम में, भगवान श्री कृष्ण के गांव में, श्री कृष्ण ने देखा कि पूजा कर रहे हैं लोग, ब्रज के लोग, और पूजा बड़ी धूमधाम से, गायों को सजाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, पकवान बन रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये पूजा किसकी हो रही है, तो लोगों ने कहा ये देवराज इंद्र की पूजा हो रही है। तो श्री कृष्ण को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर वो अपनी मां के पास गए तो देखा मां भी पूजा कर रही है, मां भी देवराज इंद्र जी की पूजा कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता जी से कहा कि मां, ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो मां ने कहा कि भाई इंद्र की कृपा से वृष्टि होती है, बारिश होती है, तो जो बारिश देता है उसकी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मां से कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, हमारी गाय तो गोवर्धन पर्वत पे चरती है, हमारे गांव को लकड़ी वहां से मिलती है, हमारे गांव को रोजगार तो गोवर्धन पर्वत से मिलता है, तो फिर हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। मां को जैसा भी लगा होगा, पता लगा होगा, या जैसा, उन्होंने एक बार फिर से समझाया, बोला पिताजी से बोलो, अपने पिताजी से भी बात की नंद बाबा से, उन्होंने भी कहा देखो भाई ये तो प्रथा चली आ रही है बहुत वर्षों से, तो इंद्र की पूजा हो रही है। फिर उन्होंने नंद बाबा को भी समझाया, फिर पूरे जितने गोपियां थी, ब्रजग्राम के लोग थे, सबके मन में उत्सुकता थी, तो बहुत समय से पूजा चली आ रही है। फिर सबको भगवान श्री कृष्ण ने समझाया,
कि पूजा गोवर्धन पर्वत की क्यों नहीं, जहां से हमारी गायों को घास मिलता है, चारा मिलता है, हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलता है, वहां से जाके लकड़ियां लाते हैं, वहां हम खेलते कूदते हैं, हम उनको देख रहे हैं सामने, जो देख रहे हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। देवता का सम्मान करना ठीक है, लेकिन पूजा तो हमें तो पूरा। फिर ब्रजग्राम, नंद बाबा, मां यशोदा सब लोग तैयार हो गए और कृष्ण की बातों पे विश्वास हो गया और सबने गोवर्धन पूजा की शुरुआत कर दी। अवींद्र महोत्सव बंद हो गया, गोवर्धन महोत्सव शुरू हो गया। तो कहीं से पता चला इंद्र महाराज को कि भाई ये तो नारद जी जाके बताए कि भाई अब आपके ब्रज में आपकी पूजा नहीं हो रही है, अब तो गोवर्धन महोत्सव हो रहा है। तो इंद्र को गुस्सा है, भगवान इंद्र कुपित हुए, उनको पता तो था नहीं कि भगवान कृष्ण के रूप में कौन आया है। तो मैं काफी स्टडी करने के बाद ये कहानी आपको सुना रहा हूं। भगवान कृष्ण को नहीं जानते थे इंद्र, और उनको लगा कि ब्रजवालों ने तुम्हारा अनादर कर दिया, अपमान हो गया, तो मैं बदला लूंगा। बिना कुछ सोचे समझे बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश, प्रलयंकारी बारिश, ऐसी बारिश की मतलब लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे, ब्रजग्राम डूबने लगा, वृंदावन में कोहराम मच गया, प्रलय के समान बूंदे गिरनी शुरू हो गई और सभी लोग भाग करके कृष्ण के पास कि कृष्ण ये क्या हुआ, बचाओ, क्या हो गया ये। भगवान कृष्ण ने बात समझ लिया कि इंद्र को घमंड हो गया, और ईश्वर तो वही है ना जो घमंड को चूर करता है, घमंड को तोड़ता है। भगवान हमेशा अहंकार को समाप्त करते हैं, वो उनका प्रिय भी हो तो क्यों नहीं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही अपनी उंगली पे उठा लिया। आश्चर्य होना ही था, अब पूरे गांव को लगा रहे हमारा ये लल्ला, हमारा कन्हैया पूरे पर्वत को उठा लिया। खैर उस समय तो बड़ी भारी आपत्ति थी, विपत्ति थी, और सब लोग उन्होंने कहते हैं कि अपने कनिष्ठ उंगली पे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे ब्रजग्राम को रक्षा कर लिया। और ये एक दो दिन नहीं हुआ, ऐसा भागवत पुराण में है कि ऐसा 7 दिन तक, वो दिन जो भी होता हो हम उसमें नहीं जाना चाहते कितने समय का दिन होता था, लेकिन 7 दिन तक कृष्ण अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाए रहे गोवर्धन को, सभी लोग उसमें सुरक्षित रहे, किसी को जरा भी परेशानी नहीं हुई। यहां तक भी कथा है कि कृष्ण को और गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा कि हम पहाड़ को गला देंगे, तो भगवान कृष्ण ने फिर अपने चक्र सुदर्शन को भी उसमें इन्वॉल्व किया, उन्होंने चक्र सुदर्शन को भी, हम आज की भाषा में बोल रहे हैं माफ करिएगा, कि उन्होंने चक्र सुदर्शन को भी आदेशित किया कि तुम इस प्रलयंकारी बारिश का असर कम करो। उन्होंने शेषनाग को भी कहा कि आप भी अपनी जुगत लगाओ, और 7 दिन में कृष्ण को समझ, 7 दिन में इंद्र को समझ में आया कि ये कोई सामान्य पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। तब शंका हुआ इंद्र को कि ये तो कुछ गलत हो गया। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि स्वयं भगवान धरती पे आए हुए हैं, क्या कर दिया आपने। और इंद्र को अपने किए का पश्चाताप हुआ, वो आए, उन्होंने क्षमा मांगी श्री कृष्ण भगवान से, और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि अब आप गोवर्धन पर्वत को रख दीजिए। तब जाके कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को फिर रखा। पूरे ब्रजग्राम में उत्सव का माहौल था और भगवान कृष्ण के सामने क्षमा मांगा इंद्र ने,
और इंद्र ने स्वयं कहा कि अब आप लोग गोवर्धन पूजा ही करिए, हमसे गलती हो गई। खैर, भगवान कृष्ण ने उनको माफ किया और तब से गोवर्धन पूजा होनी शुरू हो गई। अब आज भी होती है, लेकिन आखिर इसमें हमें तो कुछ आज के समय से निकालना पड़ेगा, हमारे हिसाब से इसका शिक्षा क्या है। तो मेरे भाई बहन, जो मुझे लगता है कि प्रकृति पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये सब लीला रची, पर्वत की पूजा हो, वृक्ष की पूजा हो, जल की पूजा हो, और आज जिस प्रकार से हम देखिए ना, हम दिल्ली में हैं, देश दिल्ली में कैसा वायुमंडल कितना प्रदूषित हो चुका है, पॉल्यूशन से हम कैसे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम पॉल्यूशन का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं समय से। तो सभी को, मैं किसी को इसमें कोई राजनीतिक दोषारोपण करने के लिए मैं ये कहानी नहीं कह रहा, लेकिन हर स्टेट में जो भी सरकारें हों, उनको गोवर्धन पूजा जैसी कहानियों से सीखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों गोवर्धन पर्वत उठाया, क्यों गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कही। हमें भी आज प्रकृति से जुड़ना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि हम पॉल्यूशन से बच सके। इस कोरोना काल में कई बार हमने देखा ना, जब सब कुछ बंद हो गया तो हवा भी साफ हो गया, नदी भी साफ हो गई, पहाड़ भी साफ हो गए, क्या कई चीजें बहुत अच्छी हुई। तो मैं आज आपका कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं बस एक तरफा या चल रहा हूं, लेकिन बाद में आपके मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आइए हम सब गोवर्धन पूजा का, जैसे छठ का त्योहार आ रहा है, तो मेरे भाई बहन, अब कोरोना का संकट है, ठीक है, कोरोना से बचना भी जरूरी है, लेकिन छठ भी प्रकृति की पूजा है। जहां जल हो वही छठ होगा, तो जल तो संरक्षण करना पड़ेगा, तालाब बनाना पड़ेगा, नदी को साफ रखना पड़ेगा, घाट चीलना पड़ेगा। तो जब हम लोग छठ माँ के गीतों में अगर हम एक गीत सुनते हैं कि केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव, झाके झूके हम करब हो छठ व्रतिया, झाके झूके। अब ये छठ व्रती का सोच है कि केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव, उसका विश्वास है, क्यों केले के पात से ही आते हैं, तो केला का पात महत्वपूर्ण है। अरे नरियर वाजे फरेला घवद से, ओह पे सुगा मेड़ राय, केरवा जे फरेला घवद से, सब तो प्रकृति की है। अरे कहवा पैबो सुपवा सुपेलिया से, अरघ दिया कहवा पैबो उखियाए अम्मा, कैसे छठी या सुहा। किसान रहेगा, संबल रहेगा तो ही गन्ना होगा, तभी तो होगा। जल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, अमरूद होना चाहिए, सूप होना चाहिए। न जाति, अगर किसी अनुसूचित जाति के यहां भी सूप बनता है तो उसको लेना है। ये जो प्रकृति का पूजा है वो गोवर्धन पूजा से निकलता है मेरे भाई बहन। मैं ऐसा मानता हूं कि आइए हम गोवर्धन पूजा में से प्रकृति पूजा के भाव को निकालें, और किसी को दोष नहीं देना है। क्या किसी सरकार को दोष दें, क्या किसी मुख्यमंत्री को दोष दें, आइए हम सब सजग होते हैं प्रकृति के प्रति, वायुमंडल के प्रति, अपने घर के आसपास सड़कों गलियों को स्वच्छ रखने के प्रति। उसकी पूजा में ही भगवान गोवर्धन की पूजा है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा है। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा बताया इसलिए उनकी पूजा करते हैं, अन्नकूट महोत्सव भी होता है। तो ये सब कुछ में मैं समझता हूं जो मैं थोड़ा सा आप सबको बताना चाहता था वो मैंने बता दिया है, और आप लोग
हमारा ज्ञान सबसे बड़ा नहीं है, हम थोड़ी सी बातों को जोड़े हैं, और अगर जोड़े हैं तो उसमें से ज्यादा अपना मन मस्तिष्क की जानकारी जुटा के आप लोग भी लगा लें, और हम लोग फिर मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जय, जय श्री कृष्ण। गोवर्धन पूजा की सबको शुभकामनाएं, फिर मुलाकात होगी। अपनी ज्ञान भर थोड़ी सी बात बताया हूं, फिर आगे कुछ होगा तो बात करेंगे, और कोई हमसे गलती वलती हो जाए कभी तो क्षमा भी कर दीजिएगा, इंसान हूं, और बताते भी रहिएगा। बिहार के लोगों को विशेष धन्यवाद, बड़ा हम लोगों का प्रचंड दिवाली कर दिए हैं, और आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय गोवर्धन पूजा की, जय श्री कृष्ण भगवान।